गोविंद कॉलोनी की दामोदर धर्मशाला में नववर्ष मिलन एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विशेष ये था कि आयोजन कांग्रेस के लखन बेरेटा ने किया, लेकिन इसे बेरेटा की लोकप्रियता ही कहेंगे कि कांग्रेस के इस आयोजन में भाजपा नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वार्ड के वरिष्ठ जनों का ये सम्मान भी हुआ। डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे 12 नंबर वार्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय सुरेश प्रजापत जी उपस्थित हैं। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर साहब, हमारे युवा साथी भाई बंटी ठाकुर जी उपस्थित हैं मंच पर। साहब हैं आप शीतला प्रताप जी खलीफा हैं, हमारे अंतर सिंह ठाकुर साहब हैं, शिव कोतिया जी हैं, हमारे घनश्याम साहू जी हैं, मान साहब हैं। पिछले 20 सालों से कांग्रेस का झंडा थाम कर चलने वाले लखन बेरेटा जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही विधानसभा एक में कांग्रेस का विधायक बना। विधानसभा चुनाव के समय लखन बेरेटा अपने साथियों के साथ माइक लेकर निकल गए थे और संजय शुक्ला के लिए वोट मांगते नजर आए थे। लखन की लोकप्रियता और घर घर पारिवारिक संपर्क की वजह से ही संजय शुक्ला को जीत मिली। इसका सबूत है रविवार को दामोदर धर्मशाला में हुआ नववर्ष मिलन समारोह। यहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी लखन के लिए आए थे। सैकड़ों लोगों की भीड़ एक फोन पर जुट गई। आज के दिन एक छोटी सी सूचना पर आप सब एकत्रित हुए, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला जी उपस्थित हैं। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी जो वकील साहब हैं, बाकी की डिटेल वो फिर आपको स्पष्ट है। और ये संजय शुक्ला जी कमलनाथ सरकार जी। इस समारोह में वार्ड के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बांकलीवाल के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हजारों लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम बढ़िया था। बताते हैं कि कांग्रेस नेता लखन बेरेटा की वार्ड 12 में लोगों के चौखे चूल्हे तक एंट्री है। वजह है ये सभी के सुख दुख के साथी हैं। शिक्षा चिकित्सा में भी लोगों की मदद करते हैं। कांग्रेस के इस वार्ड में बेरेटा ने ही मजबूत कर रखा है। ये बात विधायक संजय शुक्ला ने भी मानी। लगातार पूरे विधानसभा एक के अंदर सब जगह उन्होंने काम किया। ऐसे माइक लेके पूरे विधानसभा के अंदर उन्होंने गली गली के अंदर घूमे और काम करा। ऐसे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सभी बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हैं, सब ने मिलकर पूरे परिवार ने मिलकर काम करा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की 15 सरकार थी उसने विधानसभा एक के अंदर कोई काम नहीं किया। देखिए आज इतनी अवैध कॉलोनी माणंगा विधानसभा एक के अंदर है, कोई देने समस्या दूर है, नर्मदा लाइन नहीं है, बोरिंग नहीं है और अनेक काम जो यहाँ पर नहीं हुए वो जो अब लगातार चालू हो गए। देखिए 9 वार्ड के अंदर नर्मदा लाइन पूरी चेंज हो चुकी है, उसके अलावा लाइटें लग चुकी है, ड्रेनेज का काम चल रहा है, अस्पताल बड़े बन रहे हैं यहाँ पर। तो जो मूल सुविधा होती है वो सब चालू हो गई है। विधानसभा एक 5 साल में चौमुखी विकास हुआ है। आज इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड 12 में वरिष्ठ लोगों का सम्मान और नव वर्ष मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ के वार्ड के करीब 30-35 साल पुराने जो निष्ठावान योद्धा हैं यहाँ पे कार्यकर्ता जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन लोगों का सम्मान करा है। और पिछली बार हमने यहाँ पे सम्मेलन करा था, कार्यकर्ता सम्मेलन कर और संकल्प सम्मेलन लिया था कि हमने 1 नंबर विधानसभा को 12 नंबर वार्ड से विजय बनाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर इसके बाद में कोई प्रोग्राम नहीं करा था। तो आज सभी लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करा था, मेरे साथ घर घर गए थे, माइक लेकर गए थे और आज उसकी उसी को उपलक्ष्य में नववर्ष मिलन समारोह और परिवार को इकट्ठा करने का काम करा था कांग्रेस परिवार को। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए थे और बाकी सब वरिष्ठ लोग को सम्मान हुआ। और यहाँ पे हमारे लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला जी थे, प्रमोद द्विवेदी जी थे और अनुरोध जैन साहब थे और लक्की अवस्थी जो इंदौर कोषाध्यक्ष हैं वो भी थे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित थे यहाँ पे।